पीआर रोड पे कुछ नई हलचलें आने वाली है। जहां जहां डीएलएफ गया है वहां वहां कुछ नया और कुछ बेहतरीन करके निकला है। जो लैंड आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये पूरा लैंड जहां तक भी आपकी नजर जा रही है पूरा डीएलएफ जो है बिलोंग करता है। सो ये एक डीएलएफ का लॉन्च है। अब इसी वीडियो में मैं आपको एक और लॉन्च बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहाँ मैं आपको दिल्ली एनसीआर की लेटेस्ट हॉटेस्ट एंड लग्जूरियस प्रॉपर्टी टाइमली आपको घर बैठे अपडेट देती रहती हूँ। गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं M3M का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। ये है 77 की M3M की गैलरी, जहाँ बहुत रश हुआ करता था आज से 2-3 महीने पहले गोल्ड फील्ड्स में। इसी रोड पे सामने मैं आ गई हूँ, ये सेक्टर पड़ता है 77। यहाँ बहुत ज़्यादा दिनों से हलचल चल रही है कि कुछ नया आने वाला है, कुछ चीज़ें आने वाली है SPR रोड पे, कुछ नई हलचलें आने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी कि फाइनली ये जो लोकेशन है SPR की या 77, 76, ये क्यों इतनी हाईलाइटेड हो रही है। मार्केट में देखो, यूट्यूब पे खोलो तो हर जगह इसी लोकेशन की बात करी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ खड़े हैं सेक्टर 77 में, जो कि साइबर सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि साइबर सिटी 2 आने वाला है, जिसको DLF जो है डेवलप करेगा। इतिहास गवाह है, गुड़गांव गवाह है, रियल एस्टेट गवाह है कि जहाँ जहाँ DLF गया है वहाँ वहाँ कुछ नया और कुछ बेहतरीन करके निकला है। गुड़गांव का जन्मदाता बोला जाता है, गुड़गांव का डेवलपर जो किंग बोला जाता है DLF। तो DLF साइबर सिटी 2 आ रहा है। लोकेशन देखो तो यहाँ पे वो क्या चीज़ नहीं होगी जो एक रेजिडेंशियल को या कमर्शियल के लिए चलाने के लिए ज़रूरी होगी। जब मैं रेजिडेंशियल की बात करती हूँ तो जहाँ रेजिडेंशियल के आसपास इतने सारे कमर्शियल होता है, तो रेजिडेंशियल जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ होती है तो रेजिडेंशियल अपने आप में सुपर हिट हो जाता है, और जहाँ पर रेजिडेंशियल ज़्यादा होता है तो वहाँ फुटफॉल होने की वजह से कमर्शियल हिट हो जाता है। सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं आज जो बात कर रही हूँ वो रेजिडेंशियल की बात कर रही हूँ। जो लैंड आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये पूरा लैंड जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है पूरा DLF जो है बिलोंग करता है। तकरीबन 125 एकड़ का हमारा ये लैंड पैच है, जिसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हो रही कि हम फेज़ 1 में आपके लिए जो है मिड राइज लेकर आ रहे हैं। मिड राइज का मतलब है 10 से 12 फ्लोर्स लेकर आएंगे, और DLF एमिनिटीज़ क्या लाएगा उसके बारे में तो जिप लगा लेना चाहिए, क्योंकि सबको पता है DLF क्या चीज़ लेकर आता है। सो मिड राइज लेकर आ रहा है, जिसमें हम 3 BHK एंड 4 BHK लेके आएंगे। प्राइस कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि प्राइस हमेशा DLF एक ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंकेगा जैसा उन्होंने अपना आर्बर में फेंका था, और वो पिक्चर मेरे माइंड में आज भी जो है रिकॉल होती रहती है, छपी हुई है कि 3 दिन में कैसा 7 करोड़ का टिकट साइज बिक गया था। सो यहाँ पे जो रेट होगा वो तो ब्रह्मास्त्र जो है DLF ही फेंकेगा। लॉन्च जो है इसका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम EOI कलेक्ट कर रहे हैं। 10 लाख रुपीज़ की EOI ले रहे हैं, जो कि नॉन बैंकेबल है। सो ये मेरी एक अपडेट है। न्यू लॉन्च जो है रेरा की जो है प्रीवानिया करके जो भी ये ऐसा कुछ नाम फ्लॉन्ट हो रहा है, बट मैं कोई नाम के साथ नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ DLF का न्यू लॉन्च इसको बोलूंगी 77। सो एक तो ये लॉन्च आ रहा है। अब इसकी लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको, जो लोग नए हैं तो मैं थोड़ा सा लोकेट करा देती हूँ। ये जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आगे जाके जो ये रोड है ये सीधी लेफ्ट साइड में, अगर मेरे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो SPR को कनेक्ट होगी, और अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो ये वही रोड है जो आगे जाके 79 को कनेक्ट करती है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े लिस्टेड प्लेयर्स भी बैठे हैं, जैसे गोदरेज हो गया आपका, और आपका M3M का गोल्ड फील्ड्स है, इंटालिया है, गोदरेज की ऑलरेडी 2 जो है प्रोजेक्ट एक अपकमिंग लॉन्च आने वाला है गोदरेज का भी वहीं पर ही। इसके अलावा वहाँ पे जो है मैप्सको है, मतलब ऑलरेडी 79 बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये वही कनेक्टिंग रोड है, और अगर हम इस रोड की बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर आगे जाके NH8 यानी कि NH48 को कनेक्ट करता है। लोकेशन SPR से 5 मिनट की दूरी, द्वारका एक्सप्रेसवे से 5 मिनट की दूरी, NH8 से 2 मिनट की दूरी।
और जो ये 79 को जा रहा है वो तो मात्र 400 मीटर की दूरी। तो ये एक प्राइम लोकेशन पे, जस्ट इसके सामने जो है साइबर सिटी 2, जहाँ पे ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा है, आपका जो है गूगल का कैंपस आ रहा है, और वो बहुत से ऐसे मैं नाम जो है नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती जो यहाँ पे ऑलरेडी साइन है, लेकिन वो हम नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। सो ये एक DLF का लॉन्च है। अब इसी वीडियो में मैं आपको एक और लॉन्च बताती हूँ। आप ठीक इस लैंड के पीछे देखेंगे कि ये पेट्रोल पंप है, और इसके जस्ट पीछे ही यानी इसी रोड पे आप तकरीबन 200 मीटर अगर आगे जाएंगे तो एक फरीदाबाद का नया डेवलपर आया है, जिसने अभी तक फरीदाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एडोर के नाम से जो है न्यू लॉन्च आ रहा है। फिलहाल जो उसका लॉन्च रेट रहने वाला है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। हम इसमें क्या लेकर आ रहे हैं, हम इसमें 3 BHK और 4 BHK लेकर आ रहे हैं। 1700 स्क्वायर फीट से तकरीबन हमारा जो है एरिया स्टार्ट होगा, जो कि 2500 स्क्वायर फीट होगा। पेमेंट प्लान जो होगा वो हमारा 20-30-30-20 होगा। अभी 20-30 सुपर स्ट्रक्चर पर, फिर 30 आपको फिनिशिंग पे देना है, देन उसके बाद 20 आपको पोजेशन पे देना है। तो ये दो लॉन्च जो हैं जो बिल्कुल पास पास है, साथ में DLF का आपको जो है नेबरहुड मिलेगा, उसी के साथ में आपको एडोर मिल रहा है। एडोर माना गुड़गांव में नया है, लेकिन फरीदाबाद में उन्होंने क्लास जो है एक ट्रस्ट जो है जीता हुआ है। तो ये जो है ये लॉन्च जो है दो लॉन्च मैं आपको बता रही हूँ 77 में। अब मैं एडोर की बात कर लेती हूँ क्योंकि इनके रेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी जो सॉफ्ट लॉन्च में रेट चल रहा है वो है 9000 का, 8990 का, बट यही रेट जब आप लॉन्च पे जाएंगे तो तकरीबन 11000 का रेट होगा। तो 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको सॉफ्ट लॉन्च में मिल रहा है। इसके अलावा 40 लाख रुपीज़ तक का जो है आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, एक कॉल दूर हूँ बस आपसे, कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन कॉल हमारी जो टीम है या मैं खुद पर्सनली आपको प्रोवाइड कराऊँगी। सो आज की वीडियो में जो मेरी अपडेट थी वो ये थी, DLF का जो है 25 एकड़ में फेज़ 1 में हम लेकर आ रहे हैं मिड राइज, और ये जो है हमारा जो एडोर है ये हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये तो दो हम ये रेजिडेंशियल लेकर आ रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि DLF का मैं आपको रेट डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, ना हमें मालूम, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे बताएंगे, लेकिन उसके रेट पता है 9000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल कीजिए। टिल देन नमस्कार, गुड बाय।